हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली का मरकज, निजामुद्दीन मरकज। तो मैं आ चुका हूं, काफ़ी लेट हो चुका हूं, वैसे दोपहर से निकल रहा हूं, जब से घूम ही रहा हूं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है गालिब एकेडमी ये, और आपको सामने मिल जाएंगी मिर्ज़ा गालिब की बुक। यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की मज़ार भी है, चल के मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है मिर्ज़ा गालिब की मज़ार। तो दोस्तों ये है गालिब की मज़ार जाने का रास्ता, और इसके अंदर अंधेरा है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे कुत्ते में एक बताया कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं और डरवा दिया काफ़ी, आप जाओगे तो वहाँ पर डर जाओगे, ये बहुत डरवाया। तो मैं अब वापस डर के मारे वापस जा रहा हूँ भैया। मैं सोचा था चलूँ मिर्ज़ा गालिब की मज़ार देखता हूँ भाई, बहुत मशहूर शायर हैं मिर्ज़ा गालिब, लेकिन डर की वजह से भाई अंदर नहीं गया, क्योंकि अंदर अंधेरा था। आपको बाहर इसे दिखा दिया, और इधर साइड में वो भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दुनिया के हर कोने के लोग आपको मिलेंगे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं लोग, जमात आते हैं, जो सोचते हैं कि दीन का काम करने, यानी जो इस्लाम है उसका मैसेज देने। तो इस्लाम में बताया गया है कि जो बेसिक चीज़ें हैं आज जो मुसलमान लोग हैं वो चीज़ भी भूल चुके हैं, नमाज पढ़ना भी भूल चुके हैं, काम वाम में मसरूफ है, क्या कितना अहमियत है, कितना इस्लाम में ज़रूरी है नमाज वगैरह, ऐसी सब चीज़ की दावत देते हैं, वो खुद सीखने आते हैं और दूसरों को बताने आते हैं। तो दोस्तों ये रहा दरगाह मज़ार, यहाँ पर भी मज़ार वगैरह है, और ये रहा मज़ार। यहाँ तो डर लगता है भाई। ये है मज़ार, ये सामने का है सीन, और यहाँ से आप देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखाएगा। ये दरगाह है, बहुत खूबसूरत लग रहा है वैसे ये, और ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये निजामुद्दीन दरगाह, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है दरगाह, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये इस्लाम में ढोल ताशे और एक कव्वाली हराम है, और इनको देखो जरा, ये ढोल ताशे कैसे बजा रहे हैं, हिजले लग रहे हैं एकदम, हिजले की तरह तालियां बजा रहे हैं। अल्लाह इन सब से हम सबको महफूज रखे, और इनकी जहलियत यहाँ तक फैल गई है, देख सकते हैं यहाँ बड़े बड़े आलिम भी होंगे, लेकिन वो इन्हें कमेंट नहीं कर रहे इनके ऊपर, बल्कि वो भी इसे मज़ा ले रहे हैं। रोज़े मैसर में सबकी पकड़ होगी, आप लोग कोशिश करें कि इन जैसे लोगों से बचें, और बाकी आगे वीडियो देखिए आप। हाँ, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इन चीज़ों के सख्त खिलाफ़ हूँ, कव्वाली और ये ढोल ताशे। हाँ, मज़ार पे आइए, अच्छी बात है, मज़ार पे आइए, उनके लिए दुआ कीजिए, अदब से आइए, ना कि यहाँ ये ढोल ताशे बजाने आए, ठीक है। जब भी आप मज़ार पे जाएं उनके लिए दुआ करें, कोशिश करें कि इन जैसे जाहिलों से थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि जितना इनका इन पर गुनाह पड़ेगा उतना ऊपर ही पड़ेगा सुनने के बाद। ये हमारे पीछे है हज़रत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार, ये आप देख सकते हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, चल के अंदर मैं दिखाता हूँ, अगर अलाउड होगा कैमरा तो वहाँ पर भी दिखाऊंगा। तो ये अंदर का व्यू है, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ ये जानते हो क्या सीन है, ये जो धागे बंधे हुई है ये इन लोगों ने बांधा है धागा, इन लोग का मानना है कि इस धागे को हम बांधेंगे और जब मेरी मुराद पूरी हो जाएगी फिर इसे हम खोल देंगे। अल्लाह इन लोग को हिदायत दे, इन लोग की क्या कहें, मज़ार को
क्या आप रहन तो क्या नहीं बोलेंगे वरना लोग को बुरा लग जाएगा, लेकिन फिर भी मज़ार पे जाएं तो ऐसी हरकतें ना करें, धागा बांधना ये करना ये सब गलत बात है। हाँ, उनके वसीले से दुआ कीजिए अल्लाह ताला आपके दुआ सुनेगा, ना कि ये सब ड्रामा कीजिए धागे बांधेंगे तब अल्लाह पाक सुनेगा या ये करेगा। तो आप मज़ार पे जाएं तो इन चीज़ों से खास करके बचें, ठीक है। और बाकी आप देखिए कितना प्यारा व्यूज़ लग रहा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़ार की जो बनावट है बहुत ही प्यारी है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं, चले अच्छी बात है मज़ार पे आए, इसके लिए कोई शिकायत नहीं है मुझसे, लेकिन एक शिकायत ज़रूर है कि यार जितना भीड़ इस मज़ार पे है ना, अगर इतनी भीड़ मस्जिद में होने लगे तो क्या ही बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा मज़ार पे ना जाइए, आप जाइए अच्छी बात है मज़ार पे जाइए, लेकिन उसके साथ नमाज भी पढ़ो। आजकल का माहौल ऐसा हो गया ना कि लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि मज़ार पे जाएंगे और मेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे और मैं जन्नती हो जाऊँगा। अरे जाइ लो, इस सोच से निकलो, ठीक है, नमाज कभी माफ़ नहीं होगी। मज़ार पे ना जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नमाज कज़ा करेंगे तो बहुत दिक्कत। माशाल्लाह बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस मज़ार का, बहुत अच्छा लगा देख के, और काफ़ी ज़्यादा जितना उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था, मज़ा आ गया देख के। आप भी आएँ ज़रूर दरगाह घूमने जब भी कभी आएँ, और वीडियो देख के बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब के लिए इजाज़त, थैंक यू।